इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक आर्मी के अधिकारी के प्लॉट पर कब्जा कर मकान बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। 2010 में आर्मी के कर्नल वासुदेव पालकर ने एक प्लॉट खरीदा था। बॉर्डर पर पोस्टिंग होने की वजह से वो काफी टाइम अपने प्लॉट को देखने नहीं आ पाए। उसी दौरान 2016-17 में उन्हें जानकारी लगी कि उनके प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर मकान बनाकर रहने लगे हैं। पूरे मामले की शिकायत कर्नल ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पूरे मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अरविंद गुज्जर ने अपनी पत्नी और साथियों के साथ मिलकर उस प्लॉट के नकली दस्तावेज तैयार करवाए और उसी नकली दस्तावेज के आधार पर नगर निगम से मकान बनाने की अनुमति लेकर घर बना लिया और रहने लगे। पुलिस ने आरोपी अरविंद, उसकी पत्नी, उसके साथी संजय और महेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि प्लॉट के नकली कागजात कहां से बनवाए और किससे बनवाए। वहीं पुलिस नगर निगम अनुमति देने में किसकी संलिप्तता थी उसकी भी जांच कर रही है। सर, 400 जी का मामला है, क्या है पूरा? एक कर्नल है वासुदेव पड़ारकर, वो बाहर रहते हैं। उन्होंने 2010 में एक सहकार कॉलोनी में एक प्लॉट लिया था और चूंकि सरकारी नौकरी में थे, आर्मी की नौकरी में थे, समय पर आ नहीं पाए, देखभाल नहीं कर पाए, तो 2016-17 के आसपास उन्हें जानकारी मिली कि उनके प्लॉट पर किसी ने अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। शिकायत की जांच पर से हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे आरोपी है अरविंद गुज्जर, उसने अपने साथियों के साथ और पत्नी के साथ मिलकर उसके नकली दस्तावेज तैयार कर लिए थे और नगर निगम से भी अनुमति लेकर उस पर मकान बना लिया है। तो आरोपी अरविंद गुज्जर, उसकी पत्नी अरविंद वर्मा और उसकी पत्नी के तथा उनके सहयोगी हैं, एक संजय गुज्जर का भी नाम आया है और महेश का नाम आया है, उनके खिलाफ थाने पे मामला दर्ज किया है 420/67/68/71 के तहत। उसकी जांच अभी की जा रही है। आरोपी फरार है किस तरह से? नहीं, आरोपी को कायमी के पश्चात से ही थोड़ी सी प्रारंभिक जांच के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय पेश करके रिमांड लिया जा रहा है, जिससे उससे अग्रिम पूछताछ की जा सके। नहीं, इस संबंध में हम पूछताछ करेंगे। अभी हमारी प्रारंभिक है, अनुसंधान प्रारंभिक है, जांच में बहुत सारी चीज़ें हमने की थी, लेकिन उसमें नगर निगम ने कैसे अनुमति दी, क्यों अनुमति दी, किस आधार पर अनुमति दी, आरोपी द्वारा कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे नगर निगम में, उस संबंध में हम लोग विधिवत अनुसंधान के दौरान जाँच करेंगे, फिर उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मकान बना के हाँ, मकान बना के रह रहा है वहीं अभी।